नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। होमगार्ड की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य आयोजन जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय नागझिरी उज्जैन में आयोजित किया गया, जिसमें परेड के द्वारा मार्च पास्ट करते हुए कमिश्नर संदीप यादव महोदय को सलामी दी गई। इसके पश्चात भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन मुख्य अतिथि संभाग आयुक्त संदीप यादव के द्वारा किया गया। SDRF की टीम के द्वारा राहत बचाव उपकरणों की आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी इस अवसर पर लगाई गई थी, जिसका निरीक्षण कमिश्नर महोदय के द्वारा किया गया और रबर बोर्ड, विक्टिम लोकेशन कैमरा, आज का लाइव रोप गन इत्यादि का मौके पर ऑपरेटिंग सिस्टम SDRF के जवानों के द्वारा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज के जवानों के द्वारा होमगार्ड का गठन 1947 में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस लिहाज से देखें तो होमगार्ड संगठन स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौज है। होमगार्ड के अधिकारी, होमगार्ड की पूरी फोर्स, जैसे आप सभी को मालूम है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई दिक्कत होती है, सबसे आगे बढ़कर काम करने वाली हमारी फोर्स है। पुलिस जो है वो एक रेगुलर पुलिसिंग का काम करती है, लेकिन हर जगह होमगार्ड की मदद उनको रहती है, चाहे वो डिजास्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं। इवन रेगुलर पुलिसिंग के दौरान भी बहुत सारे कर्तव्य जो है होमगार्ड के लोगों द्वारा निभाए जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, चाहे वो रूटीन में थानों पे वायरलेस सेट्स पे है, सभी तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। और पिछले 59 वर्षों में इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हर जगह जब भी बाढ़ आए, चाहे कोई अन्य राहत के कार्य हों, हमारे होमगार्ड के लोग आगे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ देश की एक बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस जो समाज को हमेशा समय समय पर मदद करता रहता है। स्थापना दिवस है होमगार्ड का, क्या विशेष? जैसा कि सभी जानते हैं, स्थापना दिवस किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, और आज ही के दिन होमगार्ड विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनके द्वारा यह इसकी स्थापना की गई थी। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, उनके सैनिकों के द्वारा गठित इनका होमगार्ड का गठन किया गया। तो एक तरह से ये आज़ाद माने स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद फौज है होमगार्ड हमारी। और आज स्थापना दिवस इसका मनाया गया। बाढ़ हो या भूकंप हो, किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति हो, उसमें होमगार्ड विभाग का मुख्य रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा चुनाव या लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, उसमें भी हमारे होमगार्ड के जवान बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ जब देश के किसी दूसरे भाग में जब कोई कोरोना या कोई इस प्रकार की महामारी कोई आती है, तो उसमें भी होमगार्ड के जवान अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो मैं सभी होमगार्ड के जवानों को बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई देता हूं। और आज एक रंगारंग और आकर्षक परेड यहां आयोजित की गई थी, जिसमें उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री संदीप यादव साहब मुख्य अतिथि के रूप में उनको सलामी दी गई, और अब दिन में अन्य और कार्यक्रम यहां आयोजित किए जाएंगे।